मैं अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक हूँ। आप सुना क्या आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी बात को बस सेकंड करना चाह रहा था कि जो रियल लाइफ है ना, खास तौर पे बीइंग कंप्यूटर साइंस, जब भी आपको कोई टास्क मिलता है, आपको ये नहीं होता कि सारी चीज़ें उसी वक्त आपको याद होंगी और आप करना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब रन टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, सर्च करनी पड़ती हैं। मतलब कोडिंग जो है ना, वो एक कंबाइन है कि आप मतलब बहुत सारी अननोन चीज़ें हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपकी है तो आप कर लेंगे, मतलब आपके लिए ईजी होगी वो जॉब। तो जिस तरह मैं कंप्यूटर साइंस का हूं ही नहीं, तो मैं सारी चीजें ही पहले समझता हूँ फिर करता हूँ। तो और एक्चुअल जॉब में भी काफी सारा टाइम होता है जो नए टॉपिक को समझने में लगता है हमेशा। सही कह रहा। तो चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा आईकोड गुरु का पर्पस है कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप गूगल, अमेजोन, एप्पल इन कंपनीज में जॉब कर सकें 60-70 लाख रुपए महीने की। और जो हमारा करिकुलम है वो इसी लिहाज से डिज़ाइन है, हमारे कोर्सेज उसी लिहाज से डिज़ाइन है। और आप में से जो भी बंदा डिसेबल नहीं है मेंटली तौर पे, वो गूगल ज्वाइन कर सकता है, ये हमारा यकीन है। तो मैं ये डेटा पॉइंट आपको दे रहा हूँ बेस्ड ऑन वर्किंग विद सेवरल थाउजेंड सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स, कि उनमें से शायद ही कोई हो जो आपसे ज़्यादा जहीन होगा, जिसका आईक्यू ज़्यादा होगा। गूगल में जो मोस्टली मेजॉरिटी जो गूगल में बैठी हुई है, उनका आईक्यू आपसे ज़्यादा नहीं है, उनकी स्कूलिंग आपसे अच्छी नहीं है। मोस्टली सब इंडिया के सरकारी स्कूलों के पढ़े होते हैं मेजॉरिटी, तो अगर वो पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। उनकी इंग्लिश भी आप जैसी है, द ओनली डिफरेंस इज उन्होंने ये कोडिंग सीख ली और अच्छे और उसमें टाइम लगा लिया। तो अपने आपको ये बता दें कि गूगल के 500 सवाल हैं, अगर आप वो सारे कर लें तो देर इज अ वेरी बिग चांस कि आपको गूगल में चांस मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आजकल पाकिस्तान में सरकारी स्कूल टीचर बनने के लिए भी उससे ज्यादा तैयारी करनी पड़ जाती है जितनी गूगल के लिए तैयारी चाहिए। तो डॉक्टर रिजवान है हमारे साथ सर, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर रिजवान जी यहाँ सिलिकॉन वैली से हमें ज्वाइन करते हैं। तो डॉक्टर रेहान अभी जो होस्ट हैं वो मिशिगन से हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपको इनके लिए कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री, या कोई फीडबैक है तो फील फ्री टू आस्क। मैम इकरा, आपकी कैसी जा रही है तैयारी? यार बहुत अच्छी जा रही है, मैंने 250+ लेकर कर दिया। जी तो मैं मिकरा जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हैं अगर मैं भूल नहीं रहा तो, और इनके माशाल्लाह 2 इंटरनेशनल अवार्ड आ चुके हैं, और इन्होंने मेरा ख्याल है कोई 5-6 महीने पहले हमें ज्वाइन किया। जी सर, मैंने लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया था, नवंबर के लास्ट में। बिल्कुल, तो अभी ये ऑलरेडी पाकिस्तान के काफ़ी सारे GPA कोर्स के टक्कर का इनका CV हो चुका है, क्योंकि इनके पास 2 इंटरनेशनल अवार्ड आ चुके हैं। तो ये करती क्या है बेसिकली, ये जूम सेशंस में रेगुलर है, दैट्स इट। तो आप बेशक घर पे प्रैक्टिस करें, एनर्जी है तो प्रैक्टिस कर ले, अगर आप फील करते हैं कि आप थके हुए हैं तो बिल्कुल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन उसी तरह आ जाए। याद रखें जब कोई चीज़ लर्न करनी हो तो याद रखें आपने चलना कैसे सीखा था, कि चलने में ना तो कोई डेडलाइन थी, ना एग्जाम था, ना ये प्रेशर था कि बाकी कितना चल रहे हैं, और ना ये प्रेशर था कि मैंने आज कितना चलना। तो आप अपनी नेचुरल स्पीड पे, हर बंदे ने चलना सीखा और हर बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसी तरह कोडिंग अपनी नेचुरल स्पीड पे करें, अपने आप को बर्नआउट ना करें। ज़्यादा घंटे लगाने से कोडिंग जल्दी नहीं आ जाती, रट्टा मारने से भी जल्दी नहीं आ जाती। तो आप अगर इन क्लासेस में आ रहे हैं और क्लासेस को गौर से सुनते हैं तो आपको एटलीस्ट 80% आप लर्न कर रहे हैं जो आपको चाहिए। जी किसी और को क्वेश्चन, वरना हम क्लास शुरू करते हैं आज की। सर अच्छा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन हामिद अली का, के व्हाट रिसोर्सेज डिड शी स्पेसिफिकली यूज टू सॉल्व एज मेनी एज 150+ प्रॉब्लम्स।
तो भाई हामिद अली आप रोजाना क्लास में आ जाएं, क्लास में जो प्रॉब्लम होता है वो जाके कर लिया करें अगर टाइम है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते जाके रिवाइज, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इवन देन इट इज ओके। तो अगर आप हमारे सेशंस में आ रहे हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। सैयद फरद का क्वेश्चन है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करें, सिंटैक्स आता होता है सर बट आज, तो बिल्कुल जी सैयद फरद, पहले 200 सवाल तक आपसे कभी लॉजिक खुद नहीं बनेगी, लीड बोर्ड के 200 क्वेश्चंस तक, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन समझना खुद काफी बड़ा स्टेप है, तो पहले तो क्वेश्चन समझना होता है, लॉजिक तो उसके बाद आती है। तो क्या कहते हैं कि इसके अलावा जो है, और ये चीजें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं, अगर आप क्लासेस में आ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आपकी अपनी नेचुरल लर्निंग पेस के ऊपर आती जाएंगी। चलें जी क्लास शुरू करते हैं, अगर किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो। सर रिजवान आपको शेयर करना चाहें बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स आज नए आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि अगर आप लोग इसमें कंसिस्टेंट हैं और सेशंस में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट हों, सेशंस में आए और थोड़ा सा फोकस करें राइट इन चीज़ों पे। अभी देखें ना, हमारे मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं, आईलेट्स के हो रहे हैं, जीआरई के हो रहे हैं, अगर आप लोग अपने फाइनल सेमेस्टर्स में हैं तो उन सेशंस में भी आए, प्रिपेयर करें अपने आप को। अभी हम जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें वो हम फॉल 2024 मतलब जो अगस्त सेप्टेम्बर 2024 में सेशन शुरू होने हैं यूएस में, हम उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये देखें इसमें कितना टाइम गैप है राइट। जिस तरह मैं बताता हूँ कि जब मैंने भी बैचलर्स किया तो जब मैंने कहा ना कि आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त सबकी डेट्स निकल चुकी थी। तो ये टाइम होता है जब आप अपने सेवन्थ एट्थ सेमेस्टर में होते हैं, कि मतलब अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर जुलाई में भी जून में ग्रेजुएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ सेशन जून में ख़त्म हो जाते हैं, तो ये टाइम है कि आप लोग एप्लीकेशन शुरू करें, अपनी अपनी प्रिपरेशन शुरू करें एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के लिए। तो जो हमारे आईलेट्स और जीआरई के सेशन अभी चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे हम स्टूडेंट्स को चाह रहे हैं कि वो प्रिपेयर हों बाय सितंबर अक्टूबर, वो आईलेट्स और जीआरई वो दे दें और उसके बाद फिर वो अपनी एप्लीकेशंस पे, अपने प्रोफाइल पे और उस पे फोकस करें, अपने रिज्यूमे पे, अपने लेटर ऑफ रेफरेंसेस पे। तो उस ट्रैक को भी अगर आप लोग में से जो लोग अपने जो लोग बाहर आना चाहते हैं, हम तो सबको कहते हैं कि आप लोग यूएस आएँ, यहाँ पे पढ़ने के लिए आएँ, ये बेहतरीन ट्रैक है, आप यहाँ पढ़ने के लिए आएँ, पढ़ें उसके बाद यहाँ जॉब करें और यहाँ पर सक्सेस अचीव करें। तो उसके लिए आप लोग अभी से इन इन सेशंस में जाएँ और कम से कम आईलेट्स दें, जीआरई ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है कि जीआरई भी दें लेकिन आईलेट्स तो ज़रूरी, आईलेट्स के बगैर तो आप नहीं आ सकते, ये तो वो चेक मार्क है जो आपने करना ही करना है अगर आपने यूएस आना है। तो इवन यूरोप के लिए भी आपको टॉप फ्री आईलेट्स में से कुछ चाहिए होता है, तो आईलेट्स एक ज़्यादा वेल रिकग्नाइज है तो यूएस के लिए। तो उन सेशंस में और अपने आप को प्रिपेयर करें। और अभी हमने एक हैकाथॉन भी अनाउंस की है जो गूगल वर्टेक्स ए आई हैकाथॉन है जो नेक्स्ट वीक शुरू हो रही है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, जिस तरह मैम इकरा का डॉक्टर जफर बता रहे थे, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे इन हैकाथॉन्स में जाएंगे तो आप सीखेंगे भी और इन द एंड इंशाल्लाह आपको प्राइजेस भी मिलेंगे राइट। आप किसी टीम में जाते हैं, टीम वर्क करती है, ठीक है, आप चार पांच में जाते हैं, एक में आपको इंशाल्लाह प्राइज भी मिल जाएगा। और प्राइज ना भी मिले तो इवन अगर आपने इन हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लिया है, आपने अपना आपने वो प्रोजेक्ट समझ लिए हैं, ठीक है, आपने इंटरनेशनल टीम से कोलैबोरेट कर लिया है, ये आपके रिज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में बहुत बड़ा बूस्ट है राइट। सिर्फ ये नहीं कि आपने बैचलर्स किया है और ये आपका जीपीए है और बस आपने एक प्रोजेक्ट किया है फाइनल ईयर में, ये प्रोफाइल चूंकि सब स्टूडेंट्स के पास होता है ना तो आप डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। आपने जॉब करनी है कल को, हायर स्टडीज करनी है, एडमिशन लेने हैं, स्कॉलरशिप्स लेना है, ये प्रोफाइल सबके पास है, अब आपको क्यों कोई डिस्टिंग्विश करेगा, ठीक है। एक आध लोगों ने इंटर्नशिप भी की होती है, ठीक है, उस वजह से ठीक है आप थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं कि अगर 100 रिज्यूमेज हैं तो हो सकता है उसमें से 50 ने इंटर्नशिप की हो तो आप थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे,
लेकिन ये जो इस तरह के इंटरनेशनल चीजें हैं ये लोगों के पास ज्यादा नहीं होती, तो इससे ना सिर्फ आप डिस्टिंग्विश होते हैं, आप सीखते भी हैं और आप डिस्टिंग्विश होते हैं उन हंड्रेड ऑफ सीवीज में से जिसमें से आपकी सीवी पिक हो सकती है जॉब के लिए या एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए. ठीक है, एडमिशन जनरली मिल जाते हैं, एडमिशन इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब आपको स्कॉलरशिप चाहिए होता है, जब आपको फंडिंग चाहिए होती है ना, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह आप अपने प्रोफेसर को ये चीज़ कन्विंस करें कि आप फोकस्ड हैं, आप अच्छे हैं, आपको काम आता है और आपको जो काम दिया जाए आप बड़े अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं. तो उसमें ये जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हैं, कोडिंग कम्पिटिशन हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं. और अब तक हमारे जितने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, अगर आप उनके प्रोफाइल में देखें तो उन्होंने ये इंटरनेशनल चीज़ें की हुई हैं, उनके पास इंटरनेशनल लेटर ऑफ रेफरेंसेस थे. ठीक है, ये चीज़ हेल्प करती है. अब अगर आप लेटर ऑफ रेफरेंसेज दें और आपके तीन लेटर ऑफ रेफरेंसेज आपकी यूनिवर्सिटी में, एक ने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, एक ने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है, इसका कितना अफेक्ट है रिलेटिव टू, एक आपकी यूनिवर्सिटी में से है, एक कोई इंटरनेशनल बंदा है जिसके साथ आपने काम किया हुआ था, ठीक है, एक और कोई, मतलब आपने इसमें वेरिएशन लेके आनी है. ठीक है, एक ही चीज़ रिपीट होती जाएगी उसकी तो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती. तो बिल्कुल ये सर, इन ट्रैक्स पे आप लोग फोकस करें, इन ट्रैक्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप सबको सक्सेस मिलेगी. और हम यहाँ हैं इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए कि आप लोगों को सक्सेस मिले. जी मेरा ख्याल है मैम फातिमा आप तैमूर ने हैंड रेज किया, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? जी सर मेरा क्वेश्चन है. जी जी पूछिए. सर अभी मैंने 23 जून को मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो अभी हम लोग जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो हम लोग कंपनीज के साथ एक साल का एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मीन वाइल जब तक हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक साल का तो टाइम है, तो अगर उसके साथ हम जॉब भी शुरू कर लें तो उसके साथ अगर आप फिर आइलेट्स देते हैं और के साथ, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर साथ जॉब भी करते रहें और एक साल का एग्रीमेंट करते हैं कंपनी के साथ, तो ये स्ट्रेटजी ठीक है या घर बैठ के? तो ये चीज़ ना, ये पर्सनल टू पर्सनल फैमिली सिचुएशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ें मैटर करती है. मतलब आइडियल तो ये है कि आप सिर्फ फोकस करें कि आपने बाहर आना है. हमारे मॉडरेटर हैं मोहम्मद तलहा हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, नहीं इस मंथ के एंड में यूएस आ रहे हैं. उन्होंने अपनी एक एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ दी थी, ठीक है, तैयारी करने के लिए. अब ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि आपके पास एक सोशल प्रेशर होता है. अगर आपको वैसे भी पैसे ना चाहिए हो ना, तो वैसे ही लोग कहते हैं यार इसके पास जॉब नहीं है, क्या कर रहा है, इसके तो ग्रेजुएशन भी होगी, इसने तो पढ़ा भी है. तो वो एक सोशल प्रेशर होता है हमारे यहाँ, ठीक है, और फैमिलीज को पैसे भी चाहिए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. आइडियल ये है कि आप सिर्फ फोकस करें कि आपने बाहर आना है, आपने तैयारी करनी है, ठीक है. ये अब आपके पास ये कुछ महीने हैं, ठीक है, जब आप एक जॉब शुरू कर देते हैं ना, फिर इन द एंड आप जॉब में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. वो आपको टास्क देते हैं, वो टास्क आपने करना होता है, ठीक है, आप उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है. जब आप वो टास्क करेंगे तो फिर होगा ये कि दिन में आपको, शुरू में आप एक दो सेशन में आएंगे, फिर एक दफ़ा एक दिन कोई क्रिटिकल डेडलाइन आ जाएगी, फिर आप दो हफ्ते नहीं आएंगे, ठीक है, फिर वो क्रिटिकल डेडलाइन गुजर जाएगी तो फिर आप एक सेशन लेना शुरू करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब मैं आप देखें, आप चूंकि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जॉब ना करें, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ना, तो इस टाइम को फुली फोकस रखें तैयारी के लिए, क्यों ये आपको पे करेगा. मैं एग्रीमेंट साइन कराया एक साल का. अच्छा डॉक्टर रिजवान, एक बात मैं कह दूं, आपका पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं या आप या डॉक्टर जफर, मतलब हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं ना, इवन हमारे पास फैमिली लाइबिलिटीज भी हैं, तो आप इस चीज़ को अगर इस तरह देखें कि अगर हम लोग, मतलब बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अपनी जॉब के साथ इस एज के अंदर, ठीक है, अगर कर सकते हैं, तो अगर कंपेयर करें तैमूर आपको, तो आप अगर जॉब कर भी लोगे ना, तो आप शाम के सेशन रखो ज़्यादा, जो कंसिस्टेंट होकर अटेंड करो, जिसमें आपको पता हो कि मैंने ऑफिस से मैं वापस आ गया और मैंने खाना खाकर थोड़ा सा रेस्ट करके मैंने फिर बैठ जाना. मैं पॉइंट नहीं कहना चाह रहा, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर रिजवान आपकी बात को निगेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव, के अगर इस एज में हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग तो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप तो, मतलब आपके पास ये तो नहीं कि आपने बच्चे संभालने हैं, आपने बच्चों को या फैमिली को टाइम देना.
व्हाई नॉट कि आप हाँ इसको मतलब साथ दोनों रखो। पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब इसमें देखे ना मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और ये इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक जो रेसिपी ऑफ सक्सेस, एक रेसिपी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप जॉब करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकेंगे, और आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा, तो ये चीजें वेरी करती हैं, राइट। तो जो डॉक्टर रेहान कह रहे हैं बात ठीक है, मतलब अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप में इतनी एनर्जी है, तो बिल्कुल आप जॉब करें और उसके साथ ये काम करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है ना कि देखिए अब ये 1 साल है आपके पास, आपने या तो यूएस आना है या नहीं आना, ठीक है, ये चीज आप मल्टीपल ईयर्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप 3-4 साल भी इसमें लगा सकते हैं, 3-4 साल बाद भी आप आ सकते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप अगले साल नहीं आएंगे तो आप आ नहीं सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये वो प्राइम टाइम है, तो जॉब भी आप अगर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन फिर ये देखें कि आप कितना टाइम इस एफर्ट में पुट इन कर सकेंगे, ठीक है, कितना फोकस आप कर सकते हैं। अभी जिस तरह हमारे यहाँ यहाँ साथ हैं, बहुत से लोग हैं जो मास्टर्स करते हैं जॉब के साथ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, और लोग अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो, अब उनकी फैमिलीज होती हैं, वो मास्टर्स फुल फ्लेज मास्टर्स करते हैं, ठीक है, जॉब के साथ शाम को क्लासेस लेते हैं, वीकेंड्स पे क्लासेस लेते हैं, इन दैट दे आर एबल टू डू इट, राइट। ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान में बहुत लोग करते हैं, मैं पढ़ा रहा था नस में, तो हमारे मास्टर्स की क्लासेस शाम को होती थी, शाम को स्टूडेंट्स आते थे, और वो लेट आ रहे हैं कि जी हमारी तो जॉब भी 5 बजे शुरू खत्म हुई है, आपकी क्लास 5 बजे शुरू होती है, तो हम तो घंटे बाद आएंगे। वो मुझे याद है मेरा 2 घंटे का लेक्चर होता था, तो 2.5 घंटे का, तो 1 घंटे बाद भी स्टूडेंट्स आ रहे होते थे, और बेचारे वो क्या, उनके 5 बजे तो क्लासेस ऑफ हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप किस चीज को कितना ज्यादा फोकस कर पाते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बाकी कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाते जॉब के साथ और इसके साथ, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो बिल्कुल अगर आप समझते हैं आप जॉब के साथ कर सकते हैं तो कर लें, कुछ कुछ ऐसा ट्राई करें, लेकिन किसी भी स्टेज पे आपको लगता है ना कि अभी आप, मतलब देखें ना, ये अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, मतलब जरूरत तो सबको होती है, लेकिन अगर आप इस वक्त फाइनेंशियली आपको इस चीज की जरूरत नहीं है कि आप सरवाइव कर सकते हैं 1 साल, 1 साल भी नहीं कुछ महीने हैं, क्योंकि देखे ना इन द एंड जनवरी फरवरी तक तो चीजें खत्म हो जाएंगी, आपने अब एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं, अब तो फिर डिसीजन का वेट है, ठीक है, उसमें अब आप कुछ कर नहीं रहे, तो ये 4-5 महीने भी आपके पास हैं, जिसमें आपने आईलेट्स देना है, जिसमें आपने जीआरई देना है, जिसमें आप अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करना है, जिसमें आपने लेटर ऑफ, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। तो ये 4-5 महीने अगर आप जॉब के साथ कर सकते हैं तो करें, बिल्कुल करें, अगर आप समझते हैं कि आप टोटली फोकस कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, दोनों। जिस तरह मैं आपको मोहम्मद तल्हा की एग्जाम्पल है, तो मतलब ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि लोग जॉब, मतलब मैं अगर उनकी जगह होता ना तो मैं रिजिस्ट करता कि यार मैं एक जॉब छोड़ दूं, जो मैं जॉब इतने अरसे से कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं बाद में मिलेगी जॉब या नहीं मिलेगी, ये तो एक फियर हमेशा होता है ना, जिसमें भी आपके पास एक है अभी नहीं तो शायद दोबारा, पता नहीं मिले ना मिले, कितना टाइम मिले, अच्छी ना मिले, उस जगह ना मिले जहां मैं करना चाह रहा हूँ, उस डोमेन में ना मिले जहां ये करना चाह रहा हूँ, तो मल्टीपल रीजन होते हैं जिस वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, और इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, राइट, हम लोग अपना रिस्क मिनिमाइज करते हैं, तो इस लिहाज से बिल्कुल दोनों चीजें आप अपनी पर्सनल सिचुएशन देखें, आप क्या कर सकते, कितना आप कितने मोटिवेटेड हैं बाहर आने के लिए, ठीक है, आप कितने मोटिवेटेड हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, आपकी फैमिली सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उस लिहाज से डिसीजन करें, लेकिन इन 4-5 महीनों में आपने काम बहुत ज्यादा करना है, ठीक है, आपने ये सेशंस अटेंड करने हैं, आईलेट्स देना है, जीआरई देना है, ठीक है, ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, और ये वाले काम आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप टारगेट करें, और इंशाल्लाह अगर आप इन 4-5 महीनों में ये सेशंस अटेंड करते हैं, ठीक, काम अपना साथ रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर होंगे। ओके, थैंक यू सर। जी मैम, यशवा आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी पूछिए। सर। आज मेरी फर्स्ट क्लास सर, इससे पहले मैंने कभी कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है कि लीड कोड और हैकाथॉन वगैरह होता क्या है, तो काइंडली आप मुझे इस बारे में जरा गाइड कर दें। जी आप हमारे सेशन में आती रहे, ये तो बात होती रहती है हमारे मुख्तलिफ सेशन में, तो लीड कोड बेसिकली ये डॉक्टर रिहान जो है
ये हमारे ज्यादातर सेशंस को लीड करते हैं, जिसमें ये लीड कोड के क्वेश्चंस कराते हैं। लीड कोड के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आपने डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स या इस तरह की कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो बेसिकली मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं ना आपके पास सॉल्व करने के लिए। वो आप कहते हैं एक एरे दे, इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है, तो एक एरे देते हैं आप, उसमें से मैक्सिमम निकाल लो, तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपकी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है लीड कोड का, राइट, जो मुख्तलिफ कंपनीज इंटरव्यूज लेती हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है। जनरली वो वही इसी तरह के या यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ना सिर्फ आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपको ना कोडिंग करनी आती है। तो ये हमारे ज़्यादातर जो सेशंस होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है या डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स है या पाइथन है या सी प्लस प्लस, इन कोर्सेज में हमारा फोकस लीड कोड के क्वेश्चंस पे होता है। और ये जो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हैं, मुख्तलिफ कोडिंग कम्पिटिशन हैं जिसमें आपको एक एक टास्क दिया जाता है, एक टीम होती है जिसमें आप होते हैं, कोई अमेरिकन होगा, कोई चाइनीज होगा, कोई जर्मन होगा, कोई इंडियन होगा, और आप वो टीम मिल के काम करती है एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए। कभी 3 दिन के होता है, कभी 1 हफ्ते का होता है, लंबी नहीं होती, मंथ्स की नहीं होती, मैक्सिमम 10 डेज हो सकती हैं, नहीं तो जनरली 1 वीक में ख़त्म हो जाती है। तो उसमें आपने उनके अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप सबसे ज़्यादा काम करें, आपका आपको वो कुछ मॉड्यूल देंगे कि ये मॉड्यूल आप इम्प्लीमेंट कर दें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो आपको कहेंगे इसका पावर पॉइंट बना दें, इसकी प्रेजेंटेशन बना दें, इंटरनेट पर डाटा सर्च करके दे दें, तो वो स्टार्ट होता है। तो उस वो इंटरनेशनल हैकाथॉन या कोडिंग कम्पिटिशन होते हैं जो हम इस फोरम पर अनाउंस करते हैं, मतलब हम वो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हम ढूंढते हैं कि कहाँ कौन से अच्छे कंपटीशन हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप हमारे सेशंस में आए तो हम अमूमन सेशंस में ये चीज़ डिस्कस हो रही होती है। ओके, चलिए, थैंक यू डॉक्टर निहान, मेरा हाल है आधा घंटा तो हो गया, थैंक यू, आप शुरू करें फिर हमारे सेशन। कोई मसला नहीं डॉक्टर जान, थैंक यू आपने। और देखिए, डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जो मतलब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, जैसे आपने कहा, तो हर बंदे की एक यूनिक सिचुएशन होती है, आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके लिहाज से क्या वो है बेहतर है। तो जी जी बिल्कुल, मतलब डॉक्टर जफर अक्सर कहते हैं इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मैं कहता हूं अगर अच्छी इंटर्नशिप मिल रही है तो करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और एक कोई एक चीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूंगा या डॉक्टर जफर कहेंगे वो सब कुछ हर एक पे अप्लाई होता है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। हम समझते हैं कि 80% लोग क्राउड लर्निंग में लर्न करते हैं, लेकिन वो 20% लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं। वो कहते हैं यार हमने तो अकेले बैठ के पढ़ना है, हम अकेले बैठ के ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है, मतलब हर चीज हर एक पे अप्लीकेबल नहीं होती, हर हर सिचुएशन हर एक पे अप्लीकेबल नहीं होती, हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। आप मेडिकल देख लेना, वो आप हर बॉडी जो है ना वो मेडिसिन को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। तो डॉक्टर्स भी ये देख रहे होते हैं कि अच्छा आपको ये मेडिसिन दी, आप कितना आपने रिएक्ट किया, और उसके बाद फिर अच्छा अब हमने मेडिसिन चेंज करनी है या यही मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। एक मेडिसिन हर एक के लिए वर्क नहीं करती, एक चीज सबके लिए वर्क नहीं करती, तो हर एक पर्सनल सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ हम यहाँ पर एक थोड़ी सी जनरल गाइडेंस दे सकते हैं कि जनरली आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैंने नर्सरी किया था और बड़ा अच्छी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यूएस की अपॉर्चुनिटीज हैं, हम यूएस आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ ज्यादातर लोग यूरोप चले गए थे, ठीक है, कि यूएस लोग समझते थे कि वीज़ा नहीं मिलेगा, जी आई लेना पड़ेगा, मुश्किल है, यूरोप ज्यादा आसान है, तो यूरोप चले जाओ, ठीक है। लेकिन हमें बाद में आके एहसास हुआ कि नहीं, अगर आपको पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है, तो आपको यूएस आना चाहिए। इनका एजुकेशन सिस्टम, इनका सैलरी सिस्टम, इनकी जॉब, सब कुछ जो है वो जनरली यूरोप से बेहतर है। तो अगर आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली जाना है और आपके पास यूएस के ऑप्शन है, तो आपको यूएस आना चाहिए, उसको प्रेफर करना चाहिए। तो चलें, ठीक है सर, डॉक्टर यान, थैंक यू। ये एक क्वेश्चन मैंने ओपन किया हुआ जो हम लोग कर रहे थे 6 PM में, अभी मैं बस उसको ट्रबल शूट कर रहा था। तला है आप, आपने सेशन ज्वाइन किया? जी सर। अच्छा, आपने क्वेश्चन कंटिन्यू किया इसको?
उसको देखा आपने फर्दर कि वो थोड़ा सा उसमें मतलब रन हो रहा था कि नहीं? सर मैं नहीं देखा अभी। सही तो अच्छा ये मैंने ना क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, काफी सारे लोग होंगे जो कि 6 PM में नहीं थे, तो मैं देख लेते हैं क्या है। अब ये कह रहे हैं कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है। बाइनरी इसलिए कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हर स्ट्रिंग के अंदर वो 0 या 1 कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसलिए बाइनरी स्ट्रिंग कह रहे हैं। तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ एंड टू इंटीजर्स एम एंड एन। एम और एन क्या चीज़ें हैं? नंबर ऑफ जीरोज जितने वो अलाउ करेगा और नंबर ऑफ वंस कितने अलाउ करेगा, ठीक है। रिटर्न द साइज ऑफ द लार्जेस्ट सबसेट of strings such that there are at most m zeros and n ones in the subset. So इसमें से ना कुछ strings अगर आप pick करते हैं, जैसे मैंने ये दो strings pick की, तो इसमें total मेरे पास number of zeros कितने हैं? Zeros 4 हैं और number of ones मतलब 2 हैं, ठीक है? तो 5 मेरे पास zeros का वो एक उसने दिया हुआ कि 5 से ज़्यादा ना हो, मतलब 5 से कम हो सकते हैं number of zeros, इसी तरह 3 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर कोई भी मैं इसमें से एक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग्स पकड़ता हूँ, मतलब मेरे पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं, मैं कहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग को ले लेता हूँ और इसमें से कोई और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट 2 मैंने पिक की, तो उसमें से मैंने कंस्ट्रेंट ये होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज टोटल नंबर ऑफ वंस इस कंडीशन को मीट करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ अ सेट वाई इफ एन एलिमेंट ऑफ एक्स आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है, तो सबसेट होने का मतलब ये है। अच्छा मेक दिस साइज ऑफ द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हमने हमने एक ऐसा सेट बताना कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें से हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को पिक कर सकते हो सच दैट कि ये कंस्ट्रेंट मीट होती हो, ठीक है। कंस्ट्रेंट हमारी नंबर ऑफ जीरोज और वंस के ऊपर है। तो अब इसमें से इसने यहाँ पर ये खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप इसको देखेंगे, अगर इन चार स्ट्रिंग्स को हम इसमें से पिक कर लें तो इसमें कंस्ट्रेंट को मीट कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 5 है, नंबर ऑफ वंस 3 है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अगर मैं इसमें एनोटेट कर सकूँ कि इसको छोड़ के बाकी जो है ना उन सबको अगर पिक कर लिया तो उसको इसका मतलब कि 4 स्ट्रिंग्स मेरा आंसर है, मतलब काउंट उनका, मतलब काउंट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग्स है जो कि मेरी कंस्ट्रेंट को मीट कर रही हूँ, तो इसका मतलब कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को मैंने पिक कर लिया, 4 आ गया, ठीक हो गया। तो हमने मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना, लार्जेस्ट सबसेट मतलब उसका साइज हमने रिटर्न करना है कि कितनी स्ट्रिंग्स को हम पिक करें तो कंस्ट्रेंट मीट हो रही है। इसमें यही भी इसने कहा हुआ कि ये भी कंस्ट्रेंट को मीट करता है लेकिन इसका साइज 2 हो गया, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स को आपने पिक किया तो कंस्ट्रेंट मीट हो रही है। इसी तरह ये 3 है, स्टिल दे आर मीटिंग द कंस्ट्रेंट, 4 इज द लार्जेस्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब इसमें देखें अगर एग्जाम्पल 2 के अंदर आपकी नंबर ऑफ जीरोज 1 अलाउड है, नंबर ऑफ वंस 1 अलाउड है, तो आप एक ये भी हो सकता है कि आप इस स्ट्रिंग को सिर्फ पिक कर लें तो आपका आंसर 1 आ गया क्योंकि ये कंस्ट्रेंट को मीट कर रहा है, इसमें जीरोज 1 है, मतलब उनका नंबर ऑफ जीरोज जो है वो और नंबर ऑफ वंस जो है वो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। अगर मैं इसको पिक नहीं करता तो मैं फिर इस और इस स्ट्रिंग को पिक कर लेता हूँ, तो मेरा जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो मतलब 2 हो गई और स्टिल कंस्ट्रेंट को मीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि मैंने 2 रिटर्न करा, 2 इज द लार्जेस्ट आंसर, पॉसिबल आंसर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ हमने डिस्कशन की थी, मैं समराइज कर देता हूँ कि हम एक तरीका ये हो सकता है कि हम मतलब पिछले डिस्कशन को अगर मैं समराइज करूँगा ये कि हर स्ट्रिंग से हमने ना अगर ताकि बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह के डेटा में कि नंबर ऑफ जीरोज और 1 का काउंट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज 1 है और नंबर ऑफ वंस 1 है, ठीक है। इसके अंदर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 3 है और नंबर ऑफ वंस 1 है, तो इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर ताकि बार बार हमें काउंटिंग में ना जाना पड़े।
है, इस स्ट्रिंग को देखें तो इस तरह के ना एक स्ट्रिंग एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के। तो आप ये कहेंगे मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में जस्ट रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम किसी डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें कि एक ये वेक्टर बना दिया फॉर एग्जांपल 3 and 1। आप इसको एक वेक्टर समझ लें कि ये एक 5 है 4 नंबर ऑफ नहीं मुझे नंबर ऑफ जीरोस पहले लिखने। मेरी अपनी कन्वेंशन है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने 2 है, नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 है, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ जीरोस 0 है और नंबर ऑफ वंस जो है वो 1 है। बेसिकली ये इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने जीरोज हैं और कितने 1 है, ठीक है। इस तरह करके मैं इसको सिंपली प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है और नंबर ऑफ जो लास्ट वो था। अब ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मैंने इस वेक्टर से ये वेक्टर इसलिए बनाया कि मुझे ना बार बार इस काउंटिंग में ना जाना पड़े, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने इसमें से ये डिसाइड करना है कि इसमें से किस किस को मैं पिक करूँ जो कि मुझे कंस्ट्रेंट मीट होता हो। इसको अगर मैं पिक कर लेता हूँ और इसको मैं पिक कर लेता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ मतलब टोटल मुझे अलाउड थे 5, ठीक है। 5 कहाँ से अलाउड थे, इसने ये m बताया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, और n जो है मुझे नंबर ऑफ वंस का बता रहा है, ठीक है। टोटल मेरे पास बैलेंस था 5 and 3 का। अगर मैं फर्स्ट को पिक कर लेता हूँ, फर्स्ट ये जिसकी बात हो रही है, तो मेरे पास बैलेंस रह जाएगा 4। और मैं थोड़ा साइड पे बना देता ताकि ये ना ये ऊपर नीचे ट्री रिकर्जन ट्री टाइप का बन जाएगा तो वो मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। अच्छा, शुरू में एन जो था वो 5 था, और इसको भी मैं ना करूँ ये कर लूँ कि ताकि आप लोग बैकग्राउंड से वो ना पढ़ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मुझे एम और एन जो है ना वो 5 और 3 दिए हैं। अगर मैं पहला ये जो है इसको पिक कर लेता हूँ तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, बैलेंस कितना रह जाएगा कि मुझे बस अलाउड जो है वो जीरोस 4 रह गए और वंस 2 रह गए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता कि ये जो नंबर है ना वो नंबर ऑफ जीरोस को शो कर रहा है, ठीक है, उनका काउंट शो कर रहा है, और ये जो है ये नंबर ऑफ वंस को शो कर रहा है, ठीक हो गया। अगर इसमें स्ट्रिंग को नहीं पिक करता तो मेरे पास काउंट वही रहेगा। इसका मतलब कि मैंने ये जो ये वाली स्ट्रिंग है उसको फॉर सम रीजन कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल चॉइसेस मैं लेकर देखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको पिक कर लिया था और नेक्स्ट स्ट्रिंग को भी पिक कर लेता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ 3 फर्दर यूज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब इस 3 की वजह से 4 - 3 करके जो आंसर बना वो मैंने इधर लिख दिया, और 2 - ये जो ये वाला 1 है ये करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस स्ट्रिंग को भी पिक नहीं करता तो मैं मेरे पास काउंट जो है वो 4 and 2 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले वाली स्ट्रिंग पिक कर ली और इस सेकेंड वाली को नहीं मतलब उसको स्किप कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर होता ये जो मैंने अगर इसको ना पिक किया होता तो मेरा काउंट 5 and 3 रहता, ठीक है। तो मैं पॉइंट है कि मैं आगे भी चल रहा हूँ और उसके साथ साथ उस स्ट्रिंग को या कंसिडर करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है। तो हर जगह पे एक चॉइस होगी कि मैं नेक्स्ट को लेता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक इंडेक्स जो है ना वो इस पर रन करूँगा, हर जगह पर 2 चॉइसेस होंगी, या तो मैं ले रहा हूँ उसको पिक कर रहा हूँ और दूसरी चॉइस ये कि मैं उसको पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है क्योंकि मैंने मुख्तलिफ देखना है कि किस चॉइस के साथ मैं कंस्ट्रेंट को भी मीट कर रहा हूँ। और यहाँ से बस जस्ट मैं आखिरी बात यहाँ पर करके ऐड करके, अगर मैंने नेक्स्ट को भी लिया होता, मैंने इसको भी लिया होता, तो इसका मतलब है कि मैं इसको भी ले चुका हूँ, इसको भी ले चुका हूँ, इस पाथ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं अनदर उसको भी लेना चाहता हूँ, इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो इसका मतलब कि मेरा जो बैलेंस है
वो 1 माइनस 2 करूँगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, मुझे 1 अलाउड था लेकिन 2 जीरोज आ गए, ठीक है, ये जो ये वाला 2 है। और अगर 1 1 अलाउड था और मैंने इसमें 4 वंस आ रहे हैं तो ये -3 आ गया। तो कोई भी एक इंडेक्स एम और एन जो है ना मुझे बता रहे हैं कि मैं कितने अलाउड हैं, इट शुड बी पॉजिटिव नंबर। अगर मैं नेगेटिव में कर रहा हूँ उसका मतलब कि इस पाथ में मैंने कौन सी चॉइसेस ली हैं जिससे कंस्ट्रेंट मीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक बाउंडिंग कंडीशन है कि मुझे यहाँ से आगे फर्दर नहीं जाना क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हो गए, ठीक है। स्टार्ट मैंने इससे किया था, दोनों पॉजिटिव नंबर थे जितने अलाउड थे। अब यहाँ पर जाकर बॉटम में जाकर मुझे, तो ये बेस कंडीशन है, ठीक है। तो बेस कंडीशन एक ये होगी कि आप हो सकते हैं चॉइसेस लेते लेते आपके चॉइसेस खत्म हो जाए, इसका मतलब कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाए, जिसे हम नॉर्मली आई कह रहे होते हैं कि आपने इस पूरी एरे पे ट्रेवर्स कर लिया, आप आउट ऑफ रेंज हो गए। दूसरी आपकी बेस कंडीशन ये है कि आपने वहाँ से रिटर्न होना है अगर वो नेगेटिव में चला जाए, इसका मतलब कंस्ट्रेंट मीट नहीं हो रही, उस पाथ को देखने का फर्दर कोई फायदा नहीं। यहाँ तक आप लोगों को कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है कि ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ लेकिन मैं आपको लॉजिक थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर कर रहा हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्वेश्चन को इस तरह देख रहा है, ठीक है। तो अब मैं कोड को आपसे डिस्कस करता हूँ कि कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ना आप मेरी हेल्प करें और हम सारे मिलके ना क्वेश्चन को कंप्लीट करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक अगर इस अरे को सॉर्ट कर दें इनपुट के अंदर जो अरे है तो उसके अंदर जीरो सारे पहले आ जाएं और फिर वन सारे बाद में आ जाएंगे, तो उस तरह से आंसर कोई नहीं निकल सकता? ठीक है, आपने हर स्ट्रिंग को पिक करना, ठीक है, किसी में नंबर 1 0 ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो आप इसमें से सेपरेट नहीं कर सकते कि इसके जो काउंट ऑफ जीरोज है उसको अलग रख लें और उसके साथ आप, मतलब यू हैव टू टेक दिस स्ट्रिंग और यू हैव नॉट टू टेक दिस स्ट्रिंग, मतलब डिसीजन ये है कि अगर आपने इस बेसिकली काउंट हमने अल्टीमेटली रिटर्न करना ना, तो अगर आप सॉर्टिंग पे आई थिंक फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, काउंट पे भी नंबर ऑफ जीरोस और वंस पे। हाँ, मतलब अगर आपने काउंट विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखें ये पेयर की फॉर्म में, अगर आप इसको पेयर में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट करें, इन सम सेंस यू आर राइट, बट इन सम अदर सेंस हो सकता है उसके नंबर ऑफ वंस आपको हर्ट कर रहे हैं, कि अगर आपने जीरोस के रिस्पेक्ट से तो पिक कर लिया कि जिसके काउंट जीरोस कम थे आपने कहा पहले उनको आने दो, ठीक है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंगली आपकी जो जो कंस्ट्रेंट नहीं मीट हो रही होगी वो अदर साइड से हो सकता है, क्योंकि हर स्ट्रिंग अपनी एक उसमें नंबर ऑफ वंस जीरोस है, तो किसी में जीरोस कम है, हो सकता है वंस ज़्यादा हो, तो वहाँ से आगे आप ना जा सकें उस ब्रांच में, तो इट विल नॉट एड एनी थिंग सॉर्टिंग, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सॉर्ट करने का मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? Like आप इस तरह से कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे वंस ज्यादा आ जाते हैं जो कि कंस्ट्रेंट को ब्रीच करते हैं तो उस केस के अंदर वो हैंडल नहीं करेगी सॉर्टिंग, राइट? मतलब हैंडल मीन की सॉर्टिंग का फायदा नहीं है क्योंकि वहां से उस कंडीशन से आप आगे नहीं जा सकते उस ब्रांच के अंदर, मतलब फिर आपको रिकर्जन में आपको सारा ट्री तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ऑल पॉसिबल मतलब वो हो ना कि आप कहें कि अच्छा अगर नहीं मीट हो रही तो शुरू वालों को स्किप करना शुरू करो, ठीक है, like sorting के बाद वो order के अंदर नहीं आ जाएगा। Sorting के बाद आप ठीक कह रहे हो लेकिन with respect to some index होगा ना, मतलब with respect to count of zeros, ठीक है, लेकिन काउंट ऑफ वंस पे कोई आपकी लिमिट नहीं है, वो किस स्ट्रिंग में जीरोस कम है वो आप पहले कंसिडर कर रहे होगे, लेकिन उसके नंबर ऑफ, अगर ये कंस्ट्रेंट सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर होती फिर यू आर राइट, अगर ये सिर्फ एम दिया होता ना एंड इट डजंट मैटर कि वंस कितने हैं, दैट वाज द नेचुरल चॉइस कि आप वो वाला पिक कर रहे हैं जो कि स्मॉलेस्ट जीरोज हैं, ठीक है, तो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है आपके पास अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस के ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, तो आपने सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट या वंस के काउंट पे रखा होगा या जीरोस के काउंट पे रखा होगा, ठीक है, मतलब ये जो पेयर्स हैं इनको आपने सॉर्ट
विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया किया हुआ, या तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट होंगे कि सारे एलिमेंट जो असेंडिंग ऑर्डर में जो कि काउंट ऑफ जीरोज हैं, और मतलब नंबर ऑफ वंस के रिस्पेक्ट से सॉर्ट किया हुआ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एग्री कर लो तो यहाँ से कोड हम देख लेते हैं। कोड में क्या करा, ये कोड में हमें स्ट्रिंग दिया हुआ था, एम और एन दिए हुए थे, मतलब जो इनपुट हमारा आर्गुमेंट्स हैं। हमने मतलब कोशिश ये किया कि एक वेक्टर, और वेक्टर का मतलब है कि हमने इस फॉर्म में हमने कहा कि इसको जनरेट कर लेते हैं, ये जो हम एरे हमने किया, समरी समरी कह लें या जो भी इसे कह लें, कि उसने स्ट्रिंग को पिक किया और उसने मैंने एक फंक्शन राइट किया कि इसको बाय रेफरेंस इसमें इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो काउंट है ना, इसको मैंने ये काउंट पास कर दिया, इनिशियलाइज किया था जीरो के साथ, और जब ये पास होकर जहाँ से रिटर्न करेगा, क्योंकि बाय रेफरेंस है तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी होगी काउंट ऑफ जीरोज एंड वन की ना, तो इसकी आपकी मर्जी है जिस तरह भी आप राइट करना चाह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप जीरोज और वंस को काउंट करके इस एरे के अंदर अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस है तो उन वैल्यूज को वो चेंज कर देगा, आपको रिटर्न कुछ नहीं करना, क्योंकि मोर देन वन वैल्यूज थी इसलिए मैंने उसको बाय रेफरेंस कॉल किया ताकि वो उसको अपडेट कर दे, और इसके मेन जहाँ पर जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पर उसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी काउंट है वो आपने उसको पुश बैक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, हर स्ट्रिंग के अंदर से वो पिक करता है और उसके काउंट जीरोज एंड वंस उसको एक इस वेक्टर की फॉर्म में उसने उसे डाटा कह दिया कि डाटा के अंदर पुश बैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये आपको क्लियर है, यहाँ तक इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। पाइथन में वो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के तलाह कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे C++ में एक फंक्शन मतलब इस तरह का बनाना पड़ा जिसमें काउंट जीरोज एंड वन कर ले। फिर मैंने एक हेल्पर फंक्शन कॉल किया, हेल्पर फंक्शन को मैंने ये जो डाटा अभी कंपाइल किया है वो मैंने दे दिया। ठीक है, जिसमें वो सारे जीरोज एंड वन इस तरह करके पड़े हुए। अब मैं ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसको मैंने यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जो प्रेजेंटेशन जो मैंने जीरोस एंड वंस के काउंट की फॉर्म में जिसे हम डाटा कह रहे हैं उसके ऊपर मैनिपुलेट करना है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन कॉल होगा और उसके में एक मैक्स काउंट एक होगा जो कि वो अपडेट कर देगा, मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल रखा हुआ। मैक्स काउंट जो है वो ये हेल्पर फंक्शन इस मैक्स काउंट को अपडेट करेगा और यहाँ से जब रिटर्न होगा तो वो मैक्स काउंट आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये हेल्पर फंक्शन क्या कर रहा है कि जब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा है कि आपने सारे जितने चॉइसेस ले सकते थे आप ले चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग होती है ना, तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है डेटा के कि उसमें कितने, उसकी वही डेटा की लेंथ वही होगी जो कि आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं इस वेक्टर के अंदर। ठीक है, और किया हुआ है कि एम और एन जो है वो अगर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब कि आपने कोई ऐसी चॉइसेस ली हैं जिससे कंस्ट्रेंट मीट नहीं हो रही। ठीक है, जीरो हो सकता है काउंट, जीरो से लेस नहीं हो सकता एम और एन का। अब मैक्स काउंट अगर यहाँ से रिटर्न हो गया, इसका मतलब है कि ये वो कंडीशन है जब कंस्ट्रेंट मीट नहीं हो रही। अगर कंस्ट्रेंट मीट हो रही है तो अभी तक जो भी आपके पास काउंट हो चुका वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हेल्पर फंक्शन में ना हम ये कह रहे हैं कि हमने उस स्ट्रिंग को पिक करना है जो आयत स्ट्रिंग है, या उसको पिक नहीं करना। ठीक है, अगर उसको पिक करना है तो जो उस पर्टिकुलर जो पेयर है उसका काउंट ऑफ जीरोस जो मेरा एम था उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और काउंट ऑफ वन जो है वो एन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर मैंने उसको पिक कर लिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स में मैं चला गया और इस और काउंट भी इंक्रीज कर दिया मैंने। और दूसरा जो है मतलब जो एक कॉल होगी रिकर्सिव कॉल, उसके अंदर मैं उसको पिक नहीं कर रहा, इसका मतलब कि मेरे पास जो एम और एन है वो अपनी जगह पे वही है जो कि मुझे इनिशियल मुझे पास हुए थे, सिर्फ मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, इसका मतलब कि जो आयत है उसको मैंने स्किप कर दिया और काउंट को मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। ठीक है, सिर्फ द ओनली थिंग आई एम लुकिंग इज कि ये इधर पे कर लूँ या इसके बाद कर लूँ, मतलब ये वाले जो मैक्स काउंट है
अच्छा अब ये हो क्या रहा है, मैं ये आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है। इतनी सारी तमहीद बांधने के बाद मैं कह रहा हूँ नहीं चल रहा मेरा अकाउंट ना, वन लेस आ रहा है। जैसे एम और एन जो थे वो 3 3 थे, आउटपुट जो है वो 4 आनी चाहिए, मेरी इसमें 3 आ रही है। ठीक है, केस टू में भी ना स्लाइट डिफरेंस आ रहा है। जी बोले। आपकी आवाज बहुत वो है, लो है, कैन यू स्पीक लाउड? सर सेकंड रिकर्सिव कॉल। हाँ मुझे नहीं समझ, तैमूर आपने कुछ कहा, आपको समझ गया आप लोगों को? सर नहीं, मुझे तो नहीं उनकी क्लियर आवाज आई सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सेकंड रिकर्सिव कॉल में काउंट प्लस वन भी करना चाहिए या में उससे नहीं, 4 हो जाए 3 के बजाय। नहीं यहाँ पर काउंट का मतलब है कि मैंने उसको काउंट नहीं किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो है किस तरह करते हैं, अगर मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि शुरू में मेरा 5 and 3 एम एन एन था, ठीक है, अगर मैंने इसको नहीं लिया, इस बात में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी हम बात करें कि काउंट अगर इस स्टेटमेंट में काउंट क्या होना चाहिए। ठीक है, एक तो 5 and 3 अपनी जगह पे मेंटेन है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि हमने फंक्शन कॉल में वही एम एन एन यूज किया, और क्रॉस का मतलब है कि हमने उसको काउंट नहीं किया। इसका मतलब है कि जो मुझे काउंट था मैंने इस आइट्रेशन के अंदर, उसको मैंने इस पर्टिकुलर जो भी आयत, अगर मैं आई इसको कह रहा हूँ, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। अगर कंसिडर किया होता तो मेरा काउंट भी इंक्रीज होता और नंबर ऑफ एम और एन भी रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे क्लियर है कि ये काउंट तो इंक्रीज नहीं होना। अच्छा अब मैं ना इसको क्विकली आपको यहाँ तक दिखाता हूँ कि ये कोड यहाँ तक किस तरह चल रहा, डीबग करता हूँ। अच्छा मोस्टली जो लोग इस सेशन में नए हैं ना, तो डिस्करेज नहीं होना होता, हमने जब क्वेश्चन नहीं चल रहा होता तो हम कलेक्टिव एक डिस्कशन के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते। इट डजेंट मीन के मतलब ये लर्निंग प्रोसेस है, सारे लोग हेल्प करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। ये इनपुट मेरे पास था तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास डाटा आया वो बिल्कुल करेक्टली कंप्यूट हुआ कि मेरे पास नंबर ऑफ वंस और जीरोज ठीक कंप्यूट हो रहा। ठीक, अब यहाँ से ऑनवर्ड मैं जाता हूँ। करेक्टली तो नहीं हुआ होगा क्योंकि ये इंडेक्स 3 पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें इसने 2 4 बोला हुआ जबकि इसमें जी 4। अच्छा ओके सर ठीक है, मैं गलत कर रहा था। कोई मसला नहीं, ये 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर 2 है और 4 जो है नंबर ऑफ वन है। ठीक ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ 3 जीरोज और नंबर ऑफ वन इसके अंदर, ये इसको देखें तो ये नंबर ऑफ जीरो 0 है, ये करेक्टली हुआ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। यहाँ से आगे अगर आप चलें कि नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि स्टेप इनटू करते हैं। अच्छा आई की वैल्यू जो है वो 0 है, इसका मतलब इसने उस एलिमेंट को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पर काउंट अभी मतलब ये थोड़ा सा ना ऑर्डर का फर्क आ रहा है कि अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा तो नेक्स्ट आइट्रेशन में उसका इफेक्ट नज़र आएगा, यहाँ से कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए काउंट 0 ही रहा। अब यहाँ से रिकर्सिव कॉल के अंदर जब जाएगा तो आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इसको पिक कर लिया। ठीक है, मतलब आइडियल आंसर तब आएगा जब ये पिक हो और साथ मतलब ये भी पिक हो और ये लास्ट 2 पिक्स हो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पिक हो, थोड़ा सा हमें इन्वॉल्व होकर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है रिकर्शन। अच्छा ये आई इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, मैक्स काउंट जो है काउंट 1 हो चुका है, मैक्स काउंट जो है वो 1 हो गया, मैक्स काउंट इधर से लिख लेते हैं। नेक्स्ट काउंट 1, ये नेक्स्ट को पिक किया। एम और एन जो है उसमें हमने नजर नहीं कि एम और एन के साथ क्या हो रहा है,
एम और एन आई टू हो चुके हैं, ठीक है। टू का मतलब है कि हमने ये तीनों ले लिए, 1 3 2। अगर हमारे पास टोटल 5 थे, अब ये बात हो रही है कि इसको पिक करना है या इसको पिक नहीं करना है। मुझे थोड़ी सी ना इसकी लोकेशन थोड़ी सी स्टेटमेंट की वो लग रही है कि अगर मैं एंड पे भी लगाऊंगा तो काउंट तो वही रहेगा। मैंने 2 मिनट रह गए इसमें, अगर आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन है ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल 2 मिनट में ये होगा नहीं। इसको मुझे इसी तरह देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलो आपकी तरफ से कोई इनपुट यार। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं इसको, मैं अगर कर सका तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। सर अगर कंस्ट्रेंट में इतना कर रहे हो तो उसे पॉप करके नहीं आता। पॉप आप किसको कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं है। अगर आप स्पीक आउट कर सकें, अगर आपका अनम्यूट करके अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। हाँ चलें, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही तो कोशिश करूँगा मैं इसको कर सकूँ कंप्लीट। तो सर एक सवाल समझा, जी जो हम आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जी जी आई इंक्रीमेंट करने से हमारी इंडेक्स इंडेसेस लीनियरली इंक्रीज हो रही हैं, ऐसे ही है? ठीक है, इसी तरह तो सर अगर फर्ज करें, जैसे यहाँ पे मेरे पास पहली इंडेक्स पे 1 1 और 1 0 है, वन और वन है, ठीक है। इसके बाद और फर्स्ट कीजिए हमारे पास 5 और 5, MB और NB 5 हो। ठीक है, वैसे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का सवाल है, थोड़ा सा वो वहाँ पे ना उसके कॉन्सेप्ट में मुझे कंफ्यूजन है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अगर 1 1 के बाद हमारे पास एक 4 4 आ जाए तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए सही। हर ब्रांच के अंदर ना वो एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा, मतलब जब यहाँ से वापस आएगा ना, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये भी कर लिया एक बारी उसने, में वो काउंट बढ़ा रहा है और एक बार में काउंट नहीं बढ़ा रहा। मतलब काउंट की जो वैल्यू है ना इस आइट्रेशन के अंदर वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, वो अच्छा, यानी एक समझ गया मैं, दोनों एक बारी में पार्ट्स वो में एक्सेप्ट। जाकर देख रहा है कि मैं इसको अगर पिक कर लेता हूँ, अगर पिक करेगा तो वो इस पाथ में आया होगा, ठीक है। अगर पिक नहीं किया होगा तो वो जब रिटर्न सही। करेगा तो वो इस पाथ में जाकर देखेगा। अच्छा सर ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन ही, क्योंकि इस सर जी बोला। सर मैं कहना चाह रहा था कि मतलब हमने 4 पिक करने हैं, तो अगर ये 2 और 4 को पॉप कर दिया जाए, मतलब इसमें जो 4 है ये बड़ा आ रहा है 3, तो इसको पॉप करके बाकी 4 जो है वो रिटर्न कर दिए जाए। इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये एम और एन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके इनपुट डेटा पे डिपेंड करता है। अगर आपके एम और एन ही इतने बड़े हैं तो फिर आप, या मतलब आप, यू कैन नॉट डिटरमिन कि कौन सा वाला आप रिमूव करेंगे तो आपको फायदा होगा। यू हैव टू कंसिडर, मतलब इनमें से हर पॉसिबल चॉइसेस, आप सिर्फ एक को लेकर देख लें, कंस्ट्रेंट मीट हो रही है, उसके साथ अगले को देकर देख लें, या ये भी हो सकता है कि अगले को आप ना लेते, ठीक है, सिर्फ इसको और इसके साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो हर ऑल पॉसिबल चॉइसेस को आप देख रहे हैं, ठीक है, कि मैं हर चॉइस के अंदर 2 चॉइसेस ले रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना वो की पार्ट है इस चीज़ का, कि वो रिकर्जन में अगर वो उसको पिक करता है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और काउंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा समहाउ। वो अभी स्लाइट सी मिस्टेक कोई है जो कि मतलब लॉजिकल ये है कि हर जगह पे ये क्वेश्चन ना बेसिक रिजल्ट्स पे चल जाना चाहिए, अगर इसमें ये माइनर मिस्टेक ठीक हो जाए, लेकिन स्टिल इट विल मतलब है टाइम लिमिट एक्सीड, तो इसमें ना मेमोराइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड बेस्ड ऑन एम एन एल।
किस्म का ना ये आपको जब मेमोराइज कर लेंगे ताकि मल्टीपल आपको ना, क्योंकि जब आप यहाँ से बैक करेंगे ना, जैसे आप इससे वापस आए और आपने दोबारा से एक रिकर्जन में जाना है और आपने कहना है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले जो है उसको पिक नहीं करना, ठीक है, तो आप रिपीटेड कुछ टास्क होंगे, उन रिपीटेड टास्क में मेमोराइज करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की बेसिक टेक्निक है। तो अगर ये चल जाता है तो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलो ओके सर, 6 PM पे या 10 PM पे कोशिश कीजिएगा, अगर आप 6 PM पे ज्वाइन कर सकें। चलो इंशाल्लाह सर, चलें, थैंक यू आप लोगों का यार टाइम का। चलो फिर डिस्कस करते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।